हेलो गाइस, आई एम ओजिल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। सो आज का वीडियो हमारा ECM ट्रेनिंग क्लास 8 है, क्योंकि जगह नहीं था जो मैं लिखा भी नहीं हूँ। ECM ट्रेनिंग क्लास 8 है हमारा, जो हम लोग इंजेक्टर सेक्शन मैग्नेट बैराली का ECM इंजेक्टर सेक्शन हाई साइड सर्किट पे जो है हम लोग बात करेंगे। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया हूँ कि इसके अंदर जो है दो वोल्टेज ट्रेवल करता है, एक 12 वोल्ट ट्रेवल करता है इंजेक्टर सेक्शन में, हाई साइड वाले में एक 12 वोल्ट ट्रेवल करता है और जो है एक 21 वोल्ट ट्रेवल करता है और एक फीडबैक होता है। जैसा कि आप अगर आपने अगर वीडियो पहले अगर नहीं देखा है हमारा चैनल तो वीडियो देख लीजिए, क्लास 1 का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद क्लास 2 का हमारा वीडियो देख लीजिए, क्लास 3 देख लीजिए, क्लास 4, क्लास 5। उसके बाद जो है ये मैंने यहाँ से जो क्लास 6 से जो ECM का मैंने बताया है, अगर ये चीज़ आप अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको आगे जो है वो नहीं समझ में आएगा। आप ये चीज़ को पहले क्लियर करिए, ECM ट्रेनिंग क्लास 6 को जो है आप पहले क्लियर कर लीजिए तो ही आगे समझ में आएगा। उसके बाद मैंने जो है क्लास 7 जो है मैंने लो साइड मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है। लो साइड में इसमें जो है कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि किस तरह जो है कैसे काम करता है। ये लो साइड जो है बहुत इजी है, यही लो साइड जो है आपको पेट्रोल इंजन में भी खाली यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये लो साइड जो है एकदम इजी है। उसके बाद हाई साइड जो है थोड़ा मुश्किल है समझना, तो मैं उसको पार्ट बाय पार्ट करके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो है वो कन्फ्यूज नहीं होना, जैसे कि मैंने इसके अंदर ये वाला वीडियो ये क्लास सिक्स में जो है मैंने बताया है कि 21 वोल्ट और 12 वोल्ट एक साथ में बता दिया है मैंने, ठीक है, फीडबैक भी। तो इसको जो है मैं तीनों को पहले मैं 12 वोल्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद 21 वोल्ट बताऊंगा, फिर उसका फीडबैक बताऊंगा। तो वीडियो को जो है आप पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप कीजिएगा तो बीच बीच में जो है मैं बात करते करते जो है ना वो चीज़ बोलता हूँ, तो वो चीज़ नहीं मिस होएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ ना, मेरे वीडियो में पता चल जाता है कि जो व्यू एवरेज जो आता है ना, व्यू एवरेज वो 5 मिनट 6 मिनट होता है, तो इससे पता चलता है कि मतलब कोई वीडियो देखता नहीं, स्किप करके देखता है वीडियो। फिर बाद में क्वेश्चंस मेरे से पूछते हैं कि भाई ECM को ऑन टेबल कैसे करते हैं, अगर पिन आउट नहीं है तो कैसे ऑन करें। हालांकि मैंने वीडियो नंबर 3 जो अपना वीडियो ECM ट्रेनिंग क्लास जो है 3 में जो है मैंने पूरा बताया कि IC का पिन नंबर 20 जो होता है वो डायरेक्ट मेन होता है, फिर पिन नंबर 5 जो है इग्निशन होता है, और ग्राउंड तो किधर से भी हम लोग दे सकते हैं। पिन नंबर 14 15 ये जो है कैन लो कैन हाई होता है। तो ये सब आप देखते नहीं वीडियो और मुझसे पूछते हैं, फिर अगर ऐसा कुछ पूछो जो मुझे भी उस चीज़ पर सोचने का मौका मिले, आप जो चीज़ मैं बता चुका हूँ वही बार बार पूछते हो, तो खैर जान लीजिए उसको। इस वीडियो पे हम लोग बात करते हैं कि जो हाई साइड जो होता है इंजेक्टर सेक्शन, जिसके अंदर जो प्लस जो है 12 वोल्ट आता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि अगर हाई साइड 21 वोल्टेज पे अगर इंजेक्टर जो है 21 वोल्ट पे ऑपरेट होता है तो 12 वोल्ट देने की क्या ज़रूरत है। सबसे मेन जो है टॉपिक हमारा इसी चीज़ पे है कि भाई अगर इसके अंदर 21 वोल्ट पे कर रहा है तो 21 वोल्ट क्यों नहीं दे दिया कंपनी ने डायरेक्ट, और फिर ये 12 वोल्ट क्यों दिया, फिर 12 वोल्ट क्यों, फिर 21 वोल्ट, तो ऐसा क्यों किया कंपनी में। तो इसका करने का भी जो है एक रीज़न होता है जो मैं आपको जो है अभी मैं शो करूँगा, ठीक है, बताऊँगा एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ, पहले वो समझ लीजिए कि हमारा एक ये जो है एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा वाटर डैम है, ठीक है, ये हमारा गेट है और ये जो है बहुत सारे इधर पानी है, ठीक है, और यहाँ पे खड्डा है, इधर खड्डा है, और मुझे जो है यहाँ पे टरबाइन को घुमाना है। यहाँ पे जो है मुझे ये पानी से जो है ना मुझे ऐसा करना है कि मैं जैसा ही डालू जो है तुरंत ही यहाँ पहुँच जाना चाहिए, मुझे बीच में जो है टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अगर मैं इसके अंदर पानी अगर छोड़ूंगा तो डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, पहले ये छोटा छोटा गड्ढा गुड्ढी ये सब भरेगा, उसके बाद जाएगा ना,
पानी जाएगा कैसे, कि पहले जो है ये सब छोटा छोटा जो भी गड्ढा उड्ढा रहेगा ये सब भर के जाएगा, तो इसको तो कंप्लीट करते करते यहाँ जाते जाते इसको टाइम लग जाएगा, ठीक ना। तो अगर मैं पहले से इसके अंदर पानी अगर मैं थोड़ा छोड़ दूंगा, थोड़ा छोड़ के रखूंगा, थोड़ा मतलब एकदम थोड़ा सा जो है मैं छोड़ के रखूंगा, पहले से छोड़ के रखूंगा मैं, तो इसके अंदर सब जो है खड्डा जो है सब पूरा भरा रहेगा, एकदम पूरा खड्डा जो है एकदम भरा रहेगा। उसके बाद डायरेक्ट मेरे को जैसा एकदम पानी चाहिए रहता है मैं तुरंत भरूंगा, तो ये मुझे गड्ढा भरने के लिए टाइम नहीं जाएगा, मेरा पानी जो तुरंत ही स्लाइड कर देगा। वैसा ही जो है इंजेक्टर में होता है। ये हमारा इंजेक्टर है, ठीक है, ये हमारा इंजेक्टर हो गया। ये एक पिन है जो हमारा ग्राउंड है, ये लो सर्किट, सॉरी ये जो है हमारा लो साइड है, ठीक है, और ये जो है हमारा हाई साइड है। तो ये मैग्नेट में रैली वाला इसमें मैं बता रहा हूँ, ईसीएम में क्या होता है कि इसके अंदर जो जब भी आप इग्निशन ऑन करोगे ना, तो यहाँ पे ऑलवेज आपको 12 वोल्ट दिखेगा, टिक 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 करके जो है इंजेक्टर का आवाज़ आएगा, टिक 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 करके इंजेक्टर का आवाज़ आएगा, 12 वोल्ट यहाँ पे आपको ऑलवेज दिखेगा। अब 12 वोल्ट दिखेगा, लेकिन अगर 12 वोल्ट आया हुआ है और सेल्फ मारोगे तो गाड़ी जो है ना आपकी स्टार्ट नहीं होगी, जब तक कि 21 वोल्ट जो है वोल्टेज में नहीं आएगा तब तक नहीं आए, तब तक ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि इसको 12 वोल्ट जो है चाबी ऑन करते ही कंटिन्यू रहता है, जैसे ही हमारे जब गाड़ी को जब क्रैंक करते हैं ना वैसे 20 वोल्ट जो है ना 21 वोल्ट फटाक से ट्रेवल कर देता है। मतलब बीच बीच में जो है ना इसका जो रजिस्टेंस है, इसका इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये वायर जो होता है ना, ये वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही एक्टिव हो जाता है, वन वे डायरेक्शन में हो जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है वो ट्रेवल करने लगता है वो, ठीक ना, जैसे वो ट्रेवल करने लगता है और मुझे जो है एकदम स्पीड में चाहिए रहता है ना करंट, इंजेक्टर को फायरिंग करने के लिए एकदम स्पीड चाहिए रहता है, तो उसी साइड से जो है मुझे फटाक से स्पीड में जैसा ही करंट फेंकूँ तुरंत जो है ट्रेवल करके चले जाता है वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में जो है वो टाइम जाएगा, तो इसके लिए जो है ना इसी को जो है पहले से वो मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स पहले से भी फॉरवर्ड मूवमेंट रहता है और 21 वोल्ट हम लोग जैसा ही सप्लाई करते हैं वैसा ही आगे जो है चले जाता है। तो आई होप कि ये डाउट जो है आपका क्लियर हो गया रहेगा। तो अब जो है इसको मैं एक एक करके जो है एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अगर एक साथ में डाल दूँगा तो पहली बार जगह भी नहीं बनाने का होएगा और बहुत कंफ्यूजन भी हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे एकदम सेम उसी की तरह है, बस थोड़ा सा आपका ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा एकदम समझना पड़ेगा इसको। बस हम लोग ने जो लास्ट वीडियो में देखा था लो साइड सेक्शन में, उसका जो है इंजेक्टर जो है यहाँ से जाता है, इंजेक्टर को सप्लाई, ठीक है, यहाँ से चले जाता है, ठीक है, यहाँ से सप्लाई चले जाता है। लेकिन इसके अंदर जो है ना जो इंजेक्टर का सप्लाई जो है ना ये एक डायोड है, ये रिवर्स वाइज में लगा हुआ है, रिवर्स बायोज कोई भी डायोड जो है रिवर्स बायोज में लगा हुआ है, इसका मतलब वो प्रोटेक्शन के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो हमारा इंजेक्टर जो है ये यहाँ से जाएगा प्लस 12 वोल्ट, ठीक है। अब ये कैसा जाएगा, ये ऑलवेज इग्निशन, देखिए मैंने लिखा हूँ प्लस 12 वोल्ट ऑलवेज व्हेन इग्निशन, आईजी मतलब इग्निशन ऑन, इंजेक्टर नंबर वन उस पर जो है जब भी इग्निशन ऑन रहेगा ऑलवेज जो है 12 वोल्ट रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब इसमें जो 12 वोल्ट एक कहाँ से आया, जो उस चीज़ पे हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो हमारा इंजेक्टर मैंने समझो कि बाहर से एक ट्रेस किया मैंने इंजेक्टर का, ये हमारे ये डायोड के ऊपर यहाँ हमको मिल गया। अब इसके ऊपर जो है कहाँ से आया वोल्ट वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा डायोड है और डायोड, ये हमारा डायोड है, ठीक है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है 332 मतलब 3.3 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है ये हमारा इससे जो है अटैच है, ठीक है, ये डायोड से अटैच है। और इसका जो वन पॉइंट होता है दूसरा वाला देख लीजिए, ठीक है, ये वाला जो है हमारे एक मॉसफेट सॉरी एक डायोड जो है उस पर कनेक्ट है, ये डायोड से, और ये डायोड जो है ये कैथोड पॉइंट है डायोड का,
ठीक है, और ये एनोड है, एनोड, ठीक है। ये इधर से आप ट्रेस करोगे तो एक आपको जो है एक कैपेसिटर मिलेगा, कैपेसिटर के पॉजिटिव, मतलब कैपेसिटर से जो है पॉजिटिव होके जो है आपको यहाँ आ गया, ठीक है। कैपेसिटर पे से जो है पॉजिटिव होके ये डायोड, डायोड के एनोड पॉइंट पे आया, और एनोड से जो है ये कैथोड पे गया, क्योंकि डायोड जो है वन वे डायरेक्शन होता है, आपको पता है। ये एनोड से कैथोड पे गया, कैथोड पे जो है ये 3332 के रेजिस्टेंस से होते हुए आपको इंजेक्टर के पिंस पर चला गया। ये 12 वोल्ट का सप्लाई है, इतना ही है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये एक डायोड, ये दो डायोड है, ये तो ये एक डायोड जो है वो दो इंजेक्टर पे कंट्रोल कर रहा है, हाई साइड का जो है दो इंजेक्टर को कंट्रोल करता है। तो जैसा जो हमारा 12 वोल्ट जो है वो इसके एनोड पे आया, वैसा ही कैथोड पे जो है एक ये वाले डायोड पे चला गया रेजिस्टेंस के थ्रू, और दूसरा जो है हमारा ये रेजिस्टेंस के थ्रू जो है एक ये वाले डायोड पर चला गया, ठीक है, ये वाले डायोड पे चला गया, ये वाले डायोड पे। और ये हमारा क्या है, इंजेक्टर का डायोड है। यहाँ पे इग्निशन ऑन करते ही 12 वोल्ट कंटिन्यू रहता है। और 12 वोल्ट क्यों रहता है कंटिन्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके इस सर्किट के अंदर और हमारे इंजेक्टर के वायर में रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को जो है एक डायरेक्शन में बना के रखने के लिए, उसका रास्ता बनाने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक रास्ता बनाने के लिए जो है हम लोग 12 वोल्ट सप्लाई जो है पहले से दे के रखते हैं, ठीक है। हमारा जो है ये दो डायोड, ये एक डायोड हमारा ये दो इंजेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और एक ये वाला हमारा डायोड है, ये भी एनोड है। यहाँ से हमारा पॉजिटिव, ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर से हमारा पॉजिटिव आया एनोड पर, एनोड से जो है कैथोड, कैथोड पे पॉइंट पे पहुँचा, कैथोड के पॉइंट से जो है एक 3332 का रेजिस्टेंस दिखेगा, फिर यहाँ पे भी आपको 3332 का रेजिस्टेंस दिखेगा, और ये क्रॉस करके जो है ये इंजेक्टर नंबर 4 पे चला जाएगा, और ये वाला हमारा जो है इंजेक्टर नंबर 3 पे चला जाएगा, इंजेक्टर नंबर 4 पर जाएगा, ये इंजेक्टर नंबर 3 पर चला जाएगा। ना क्लियर है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए, ये बिल्कुल एकदम क्लियर है, ये क्लियर है कि 12 वोल्ट हमारा जो है एक कैपेसिटर से आया एनोड पर, एनोड से जो है कैथोड पे, कैथोड पे आया, कैथोड से जो है एक रेजिस्टेंस को होके जो है 12 वोल्ट हमारा चला गया इंजेक्टर के पिन पर। सेम एक डायोड दो इंजेक्टर को कवर कर रहा है, ये डायोड नंबर 1, डायोड नंबर 2, डायोड 2 है और ये डायोड 1 है, ठीक है। ये हमारा 12 वोल्ट सप्लाई का है, ठीक है। अब इंजेक्टर को कैसे पता चलेगा कि हमारे ईसीएम को जो है कैसे पता चलेगा कि हमारे इस पे जो है 12 वोल्ट आ चुका है, ठीक है। एक फीडबैक समझिए, 12 वोल्ट का भी फीडबैक ले रहा है कि मतलब आया कि नहीं आया, वो कैसे समझेंगे। समझो इंजेक्टर नंबर 1 पे जो है 12 वोल्ट आया हमारा कि नहीं आया, कि रास्ते से यहाँ से ये रेजिस्टेंस तो नहीं ख़राब हो गया, कि ये डायोड तो नहीं ख़राब हो गया, कि ये लाइन का कंटिन्यूटी, ये वाला लाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसका कंटिन्यूटी बराबर नहीं है, कि यहाँ से यहाँ तक का कंटिन्यूटी बराबर नहीं है, कि ये डायोड ख़राब हो गया, कि ये डायोड ख़राब हो गया है, ठीक है। तो इसको कन्फर्म करने के लिए जो है हमारा एक लाइन निकलता है जो 22 मतलब 22 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहता है, और वो जो है ये इंजेक्टर के इंजेक्टर आईसी में जो है पीछे बैक साइड आ जाता है, इंजेक्टर आईसी के बैक साइड आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। ये इसका फीडबैक है कि मतलब हमारा करंट जो है 12 वोल्ट इंजेक्टर के पिन पर आ चुका है। ये किसको बताएगा, इंजेक्टर आईसी को, और इंजेक्टर आईसी जो है ये इसके ये आईसी से कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, जो जिसको एसपीआई क्लॉक बोलते हैं ना,
उसके एसपीआई क्लॉक के चार वायर होते, चार जो है लाइंस होते, उसी में जो है इन लोग एक दूसरे से जो है बातचीत करते हैं। तो वो चीज़ जो है ये इसको बताएगा और ये जो है प्रोसेसर को बताएगा कि हाँ हमारा 12 वोल्ट आ चुका है। ये इतना फास्ट रहता है ना ये कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब उसको चेक करने के लिए जो है ना आपको सीआरओ चाहिए रहेगा, जिसको ऑसिलस्कोप बोलते हैं, ठीक है, सीआरओ जो सिग्नल सिग्नल में बताता है, ठीक है। तो पहले तो इसका जो है हमारे को रेजिस्टेंस से आईसी को पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारा जो है 12 वोल्ट जो है इंजेक्टर के हाई साइड पे आ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा सेम जो है इंजेक्टर नंबर 2 का भी होएगा, सेम इंजेक्टर आईसी को जाएगा। इंजेक्टर नंबर 3 का भी जो है 22 ओम से होके इंजेक्टर आईसी को जाएगा। फिर सेम जो है 22 ओम का डायोड से, हमारा ये डायोड से जो है इंजेक्टर आईसी को जाएगा। और ये आईसी का, इस आईसी से कम्युनिकेशन रहता है और इसका कम्युनिकेशन जो है वो अपना प्रोसेसर से होता है। तो गाइस मैं कोई बात को अगर रिपीट कर रहा हूँ तो उस चीज़ को दिमाग में रखिए। क्यों रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि उस चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसके लिए मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट, हमारा पहला पॉइंट 12 वोल्ट आ गया, कहाँ से आया, रास्ते में क्या आया, एक डायोड, एक रेजिस्टेंस, एक डायोड, मतलब दो डायोड एक रेजिस्टेंस 12 वोल्ट के लिए। अगर 12 वोल्ट नहीं आ रहा है, समझो एक इंजेक्टर पर, इंजेक्टर नंबर 1 पे नहीं आ रहा है, तो क्या चेक करोगे आप? आपका खुद दिमाग काम करना चाहिए, हाँ मेरा जो है ये रेजिस्टेंस डैमेज हो सकता है, नहीं तो ये रेजिस्टेंस से लेके यहाँ तक ये लाइन डैमेज हो सकता है, नहीं तो ये लाइन से लेके हमारा ये डायोड तक का लाइन डैमेज हो सकता है, नहीं तो ये डायोड ख़राब हो सकता है हमारा, नहीं तो ये लाइन जो है यहाँ से लेके मेरा कैपेसिटर तक ये डैमेज हो सकता है। अगर 12 वोल्ट एक इंजेक्टर पे नहीं आ रहा है, अगर चारों पे नहीं आ रहा है, तो मे बी आईसी का ही फॉल्ट हो सकता है, इसका ही फॉल्ट हो सकता है, प्रोसेसर का ही फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। उसका स्टेप बाय स्टेप जो है चेक करने का प्रोसीजर है, ठीक है। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे हो, एकदम बिल्कुल जो है एकदम डिक टू डिक जो है मैंने ईसीएम की बोर्ड की तरह बनाया है, आप देखोगे तो फटाक से समझ में आएगा, ठीक है। ये सब रेजिस्टेंस जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है बताऊंगा 21 वोल्टेज में, ठीक है। इसका ये 12 वोल्ट का जो है, ये 12 वोल्ट पहले गया, 12 वोल्ट का आईसी को पता चल गया कि हाँ मेरा 12 वोल्ट इंजेक्टर पे आ चुका है। उसके बाद जो है 21 वोल्ट का भी होएगा, सेम प्रोसीजर, बहुत सिंपल है। आप बहुत सिंपल, आप मानोगे नहीं इतना सिंपल है ये, बस थोड़ा आप समझिए, थोड़ा समझने वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करिएगा तो नहीं समझ में आएगा। मैं देखता, मेरा वीडियो देखता नहीं है कोई, मेरा व्यू ड्यूरेशन जो आता है ना 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 18, 19, 20 मिनट का वीडियो बना रहा है, पसीना से पूरा लथपथ हो जाता है, पंखा बंद करना पड़ता है कि पंखा की आवाज़ ना आए, तो आपको आवाज़ ना सुनाई दे मेरी, ठीक है। तो गाइस हमारा जो है आज का जो 12 वोल्ट सप्लाई था, 12 वोल्ट सप्लाई इंजेक्टर पर वो हमारा क्लियर है। मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना ही को कैरी करिए, ठीक है। हमारा एक कैपेसिटर 12 वोल्ट कैपेसिटर से एक डायोड के एनोड पे आया, एनोड से कैथोड पे गया, कैथोड से जो है एक 3-3 रेजिस्टेंस पे गया, 3-3 रेजिस्टेंस के द्वारा जो है एक डायोड पे, रिवर्स बायस डायोड पे गया, डायोड से जो है इंजेक्टर से बाहर गया। सेम एक डायोड जो है दो को कंप्लीट कर रहा है, दोनों जो है इसका क्या बोलते हैं फीडबैक ले रहा है, ठीक है। फीडबैक सर्किट हो गया हमारा, ये फीडबैक ले रहा है। फिर ये चीज़ जो है एक ये वाले आपको अब ट्रेस करोगे तो इस पे भी जो है कॉन्टीन्यूटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जो है कॉन्टीन्यूटी रहेगी क्योंकि इधर भी 12 वोल्ट चाहिए रहता है। ये 48 वोल्ट का 21 वोल्ट का जो है हमारा यहाँ पे 21 वोल्ट आता है, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, 21 वोल्ट आता है प्लस, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ये जो चीज़ मैं बताया हूँ अभी, वो चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं ड्रॉ करूँगा, नहीं तो सब कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। मैं सिर्फ जो है यही बनाऊंगा तो सब कुछ, लेकिन जो उसमें यूज़ आया सिर्फ वही चीज़ बताऊंगा कि आपको जो है एकदम क्लियर हो सके, ठीक है गाइस। गाइस सो मेरे साथ एक प्रॉब्लम चल रहा है, इसके लिए जो है थोड़ा आज मैं सैड हूँ, और देखिए वो
बात भी कुछ ऐसी है मैं बता भी नहीं सकता हूँ, छोड़िए। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो है यार लाइक नहीं करते यार, मैं देखता हूँ वीडियो में 600 व्यू, 700 व्यू, 800, 1K व्यू आ जाता है, लेकिन लाइक जो है 50, 60, 100 बस पार नहीं होता है यार। लाइक करिए, लाइक में क्या कंजूसी करते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए, वही कमेंट से तो मैं मोटिवेट होकर आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। नहीं तो बताइए अभी जो है कौन किसके लिए वीडियो, ECM का रिपेयरिंग का काम का कौन वीडियो, कोई नहीं बनाता है। मैंने इतना, मैं जब सीखता था शुरू में तो इतना सर्च करता था, कोई नहीं बताता था, कोई नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ इतना, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मैं तो नहीं किसी से स्पॉन्सर मांग रहा हूँ कि स्पॉन्सर करो मुझे वीडियो। तो गाइस थोड़ा थोड़ा बहुत शेयर कीजिए आप लोग वीडियो को कि पहुँचे थोड़ा। तो चलिए गाइस बस वीडियो ख़त्म करते हैं, तो थैंक्स।